हेलो एवरीवन, मैं कल्पना यादव। आज की क्लास है LLB फोर्थ सेमेस्टर। सब्जेक्ट है लेबर लॉ सेकंड। टॉपिक है हमारा सिलेबस। सबसे पहले हम आपको सिलेबस बताते हैं कि आपको फोर्थ सेमेस्टर में लेबर लॉ सेकंड में क्या क्या सिलेबस आएगा। तो जो लेबर लॉ फर्स्ट था तो वो आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ लिया था। सेम उसी का आगे का ग्रुप है लेबर लॉ सेकेंड, यानी श्रमिक विधि द्वितीय। तो जो हम लेबर लॉ सेकेंड पढ़ेंगे तो इस लेबर लॉ सेकेंड में हमको बहुत सारे एक्ट पढ़ने हैं, यानी 6 एक्ट पढ़ने हैं। और उन सभी एक्टों के बारे में हमें इस सेमेस्टर में डिस्कस करना है। तो हम पहले देखते हैं कि हमें कौन कौन से एक्ट यानी कौन कौन से अधिनियम पढ़ने हैं। तो सबसे पहला हमारा अधिनियम आएगा एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, यानी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। जो ये कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 है, इस अधिनियम में हमें सबसे पहले पढ़ना है कि अधिनियम का उद्देश्य क्या है, अधिनियम किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, इस अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में हम पढ़ेंगे। जो ये अधिनियम है इसका प्रवर्तन कब हुआ है, इसके अंतर्गत अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वो विवाद कहाँ पे दाखिल किया जाएगा, यानी वो मामला कहाँ पे चलेगा, किस न्यायालय में जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा अधिनियम हम पढ़ेंगे द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। ये जो मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, ये भी 1948 में बना था। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये दोनों ही 1948 में बने थे। तो ये जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 है, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के लिए बना है। कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी क्या होनी चाहिए, देखा जाता था पहले कि कर्मचारी जो मजदूर हैं वो कार्य करते रहते थे और उनको कार्य जितना वो कार्य करते थे उनके अकॉर्डिंग मजदूरी नहीं मिलती थी, उनके साथ मनमाना व्यवहार किया जाता था। यानी जो नियोजक होते थे वो अपने हिसाब से पैसे देते थे। तो उनके लाभ के लिए इन अधिनियमों को बनाया गया है। ये अधिनियम है कि जो भी कर्मचारी है उसे कम से कम कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए, उससे कम मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए। न्यूनतम मजदूरी का मतलब है जो मजदूरी निर्धारित कर दी गई है उस मजदूरी से कम मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए, और जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है उस न्यूनतम मजदूरी को इस अनुसार निर्धारित किया गया है कि जो मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं, वो अपनी प्राथमिक जरूरतों को पूरा कर सके, जैसे वो खाना है, रहने की व्यवस्था, कपड़े, बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में, इन सभी चीज़ों की जो न्यूनतम जिससे उनका जीवन संभव हो सके, ऐसी मजदूरी को निर्धारित कर दिया गया है। जब से ये अधिनियम बना हुआ है तब से हर मजदूर अपनी न्यूनतम मजदूरी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है और नियोजक उनके साथ कोई भी मनमाना व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दोनों ही अधिनियम मजदूरों के ऊपर ही बने हैं। टोटल ये जितने हमको 6 अधिनियम पढ़ने हैं ये सब कर्मचारियों के ऊपर बने हैं, यानी मजदूरों के ऊपर बने हुए हैं। तो इस तरह से हमको जो सेकेंड अधिनियम पढ़ेंगे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इसमें हम पढ़ेंगे न्यूनतम मजदूरी क्या होती है, न्यूनतम मजदूरी की दरें क्या होंगी, इनको किस हिसाब से दिया जाएगा, और इस अधिनियम के अनुसार जो मजदूर होंगे उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रसूति अवस्था में महिलाओं को जो व्यवस्था की जाती है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे और इसमें कौन कौन सी परिभाषाएं आती हैं। अगला अधिनियम आपका आएगा द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। ये अधिनियम 1936 में बन चुका था और ये अधिनियम है द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के
बोलते हैं मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। तो मजदूरी भुगतान अधिनियम ये जो बना था ये भी मजदूरों की मजदूरी के भुगतान के लिए ही बना था। तो ये 1936 में अधिनियम बन चुका था। अगला अधिनियम आएगा आपका द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ये इसको बोलते हैं कारखाना अधिनियम 1948। ये अधिनियम कारखाना जो फैक्ट्री बनी हुई है उनके लिए बना हुआ था कि फैक्ट्री कैसे होगी, उसकी स्थापना क्या होगी, उसके अंदर कौन कौन से नियम लागू होंगे, इन सारी चीज़ों को इस अधिनियम में हमें पढ़ना है। कितने वर्कर्स काम करेंगे, कितने लोग वहाँ पे नियोजक होंगे, कौन नियोजक नियोजिती, और इन सब के बारे में हमें पढ़ना होगा कि जो नियोजक होंगे वो कितने लोगों को नियोजित करेंगे, एक कारखाने में कितने लोग कार्य कर सकते हैं, कारखाने में क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, अगर कारखाना खतरनाक है तो उसके लिए जैसे बाड़ लगाना, सुरक्षा साधनों की व्यवस्था करना, महिलाओं के लिए अगर महिला और पुरुष दोनों कार्य कर रहे हैं तो उनके अलग अलग रहने के लिए यानी विश्राम की व्यवस्थाएं करना, दोपहर में जो उनको समय समय मिलता है उस समय में महिलाएं कहाँ बैठेंगे, पुरुष कहाँ बैठेंगे, शौचालय की अलग अलग व्यवस्था करना, अगर महिला के साथ में छोटे बच्चे हैं तो उनको खेलने कूदने के लिए, इन सभी चीज़ों के बारे में कारखाना अधिनियम में हम पढ़ेंगे। अगला आता है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का मतलब है बोनस भुगतान अधिनियम 1965। ये बोनस भुगतान अधिनियम जो बना है 1965 में ये बोनस के ऊपर बना है। बोनस क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति को जो दीपावली होली या किसी अच्छे कार के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसकी मजदूरी से एक्स्ट्रा जो पैसे दिए जाते हैं त्योहारों में तो इसे कहते हैं बोनस एक्ट। तो ये जो बोनस एक्ट है अगर अधिनियम बना हुआ है और किसी भी कारखाने में या फैक्ट्री में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि मजदूरों को बोनस दिया जाएगा, तो अगर वो इस तरह का बोनस नहीं देते हैं इन सभी चीज़ों को देने के लिए ये बोनस भुगतान अधिनियम बनाए कि उनको बोनस का भुगतान कैसे किया जाना चाहिए, इसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे हम। अगला आएगा वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923। इसमें कर्मकारों के लिए कर्मकारों की परिभाषा आएगी, इस अधिनियम का प्रवर्तन कब हुआ है, कर्मकारों को जो प्रतिकर दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिकर क्या होता है कि जब कोई कर्मकार कार के दौरान उसके साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है या कोई क्षति हो जाती है तो उसके बदले में जो उसे प्रतिकर दिया जाता है वो कैसे दिया जाएगा, कितने समय में दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, इन सब के ऊपर ये अधिनियम बना हुआ है। तो जो हम ये लेबर लॉ पढ़ रहे हैं, लेबर लॉ जैसे नाम से स्पष्ट है लेबरों के लिए बना है या श्रमिक विधि, तो ये श्रमिकों के लाभ के लिए बने हुए अधिनियम है। इन लेबर लॉ सेक्शन में हम टोटल श्रमिकों के इन लाभार्थ अधिनियमों को ही पढ़ेंगे। इन अधिनियम का उद्देश्य है कि इन सभी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है कि श्रमिकों के जीवन यापन को सही रास्ते पर लाना, क्योंकि जो मजदूर होते हैं वो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि वो अपने आप को असहाय समझने लगता है, कोई भयंकर बीमारी आ जाए, अपने बच्चों की शादी करनी है, पढ़ाई लिखाई भी नहीं करा पाते हैं, तो अगर उन्हें ज़्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ी तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें पैसे बचाने की या पैसे बचत करने की हैबिट भी नहीं होती है, और दूसरी चीज़ उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो बचत कर सकें, तो ऐसी परिस्थितियों में वो अपने आप को असहाय समझने लगते हैं। तो उसके लिए जो हमारा पहला अधिनियम आता है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, वो अधिनियम इसी को देखते हुए बनाया गया है कि हर कर्मचारी का बीमा होना चाहिए, उसकी मजदूरी से कुछ पैसे कटने चाहिए,
अगर किसी व्यक्ति की मजदूरी से व्यक्ति को 400 रुपए मजदूरी मिलती है, उसमें से 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए कट जाते हैं, तो भी वो अपना जीवन उन पैसों से काट सकता है। और ये थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे होकर उसके ज़्यादा हो जाते हैं। और जो ये बीमा किया जाता है तो उसके लाभ के लिए किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को बीमारी लगती है या कोई बड़ी दुर्घटना घटित होती है तो अपने आप को असहाय नहीं समझता है, तुरंत उसके पास पैसों की व्यवस्था हो जाती है, जिससे वो अपने उसकी अगर किसी के साथ दुर्घटना हुई है और वो बीमार है तो इस अधिनियम के द्वारा, यानी जो ये अधिनियम बना है क्योंकि उसका बीमा हो चुका है और ये सभी के लिए कंपलसरी बना दिया गया है, तो हर मजदूर हर कर्मचारी का बीमा किया जाएगा, तो इसके द्वारा उसे पैसे मिल जाते हैं और वो इन सब परिस्थितियों से निपट जाता है। यानी उन उसके पास जो समस्याएं थी उनसे उभर कर वो बाहर आ जाता है और वो एक नॉर्मल लाइफ में जीने लगता है। तो ये जो कर्मचारियों का शोषण होता चला आ रहा है, इन शोषण को रोकने के लिए ही ये अधिनियम बनाए गए हैं। जैसे जैसे कर्मचारियों के साथ शोषण होता रहा है, वैसे वैसे धीरे धीरे एक एक करके ये सारे अधिनियम बना दिए गए हैं ताकि कर्मचारियों का शोषण ना हो सके। पहले से लेकर आज तक कर्मचारी यानी श्रमिक, उनके साथ बहुत कुछ चेंज हो चुका है। पहले लोग उनके काम के घंटे भी निर्धारित नहीं थे, पूरा दिन काम करते थे तो उन्हें इतना पैसा नहीं मिलता था कि भी दो वक्त की रोटी भी जुटा सकें। लेकिन आज उनको सिर्फ 8 घंटे काम करने हैं और उसके बाद जो उनकी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई है वो उनको मिलती है। तो इस प्रकार से ये सभी अधिनियम, कहने का मतलब है कि जो भी अधिनियम बनाए गए हैं श्रमिकों के लिए बनाए गए हैं। तो जो हम लेबर लॉ सेकंड में इन 6 के 6 अधिनियमों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला अधिनियम होगा, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम या एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने आपको सिलेबस लिखवा दिया है और इन सिलेबस के अनुसार हम एक एक करके सभी अधिनियमों को पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में हम आपको मिलते हैं पहले अधिनियम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।